भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। दुर्ग से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। यहाँ कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ गया है कि बताया जा रहा है कि यहाँ के मुक्ति धाम में शवों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही है। कोरोना संक्रमण के बीच मुक्ति धाम के बाहर की तस्वीरें तैयारियों पर सवाल उठा रही हैं। ये स्थिति तब है जब ये क्षेत्र खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। हालांकि दुर्ग प्रशासन स्थिति के काबू में होने की बात कर रहा है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। इतरणी जिले में रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं। दुर्ग प्रशासन संपूर्ण व्यवस्था होने का दावा कर रहा है। जिले के कलेक्टर डॉक्टर भूरे की माने तो जिले में 600 ऑक्सीजन बेड है और स्थिति नियंत्रण में। मैं इसमें आज मुख्य रूप से एक खबर भी प्रदर्शित हुई है। इसमें जो कोरोना का गाइडलाइन है तो उस गाइडलाइन के अनुसार जितने डेथ्स हैं हम लोग उसको कोरोना की मौत डिक्लेयर करते हैं। जो एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल डेथ्स है उनको कोरोना के काउंटिंग में नहीं लिया जाता। जो आंकड़े हैं उसको डेथ ऑडिट भी होता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का संभ्रम नहीं होना चाहिए। और मुक्तिधाम में बहुत सारे ऐसे भी डेथ्स हुई है जो कोरोना से किसी भी प्रकार का संबंधित नहीं है, जो ऐसे बॉडियां जलाई गई है जो जिससे कोरोना से संबंधित नहीं है। और दूसरा ये भी है कि प्रोटोकॉल अभी सभी चीज़ों के लिए फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर पीपीई किट पहन के अगर किसी का अंतिम संस्कार किया जाता है तो हर मौत कोरोना की मौत नहीं होती, इस चीज़ को समझना आवश्यक है। सर एक चीज सामने आया, आप इन तस्वीरों को देखकर स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि प्रशासन कोरोना के आगे लाचार और बेबस है। बता दें कि शुक्रवार को दुर्ग में टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था। ये लॉकडाउन 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये सख्त फैसला लिया गया। फिलहाल राज्य की स्थिति खराब होती देख अब रायपुर में भी 9 से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। दुर्ग से रघुनंदन पांडा की रिपोर्ट, एमपी तक।